छत्तीसगढ़ में अब महादेव सट्टा ऐप केस बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद से बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो गया है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वही सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, इस पर क्या कहना है? महादेव के बारे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इसी बीच महादेव ऐप का मामला बाहर आया, एफआईआर में मेरा नाम दबाव पूर्वक डाला गया है और राजनीतिक एफआईआर है, अभी भी महादेव सट्टा बंद नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव ऐप का जिन बाहर आया, आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव ऐप सट्टा में यूडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम है।